नमस्कार, आप देख रहे हैं हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस और इस वक्त हम मौजूद हैं रघुनाथपुर प्रखंड के गोपीपतियाँ पंचायत के चकिया गांव में। और मैं आपको बता दूं कि इस बार बिहार मैट्रिक बोर्ड में काफ़ी लड़के और लड़कियां अच्छा मार्क्स लाए हैं, लेकिन यहां पर चकिया गांव से एक लड़का अंकित कुमार ने 453 लाकर पूरे प्रखंड तथा अपने गाँव अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। और इस बार 453 अंक लाने के बाद उनके माता पिता और फैमिली मेम्बर काफ़ी प्रसन्न हैं और उनके खासकर टीचरगण भी काफ़ी प्रसन्न है। हम पहुंचे हुए उनके घर निवास स्थान पर, हम बातचीत करेंगे अंकित से और जानेंगे इसके पीछे का मेहनत और उनके एम्बिशन के बारे में। आइए मिलकर बातचीत करते हैं। जिस तरीके से आपके पुत्र अंकित कुमार ने 453 नंबर लाकर मैट्रिक पे आपका गांव और आपका नाम रोशन किया है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। पढ़ाई में तो हम लोग भी बोलते थे कि पूरा पढ़ो लिखो, कुछ अच्छा जॉब नौकरी वोकरी मिल जाएगा, बढ़िया पढ़ेगा तभी ना मिलेगा। हाँ। बढ़िया नंबर मिलेगा, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करेगा तभी ना काम कुछ होगा। मेहनत करके मेहनत से कोई काम नहीं था, खाली पढ़ो, जितना पढ़ना है अभी भी पढ़ना है, जितना पढ़ो जो भी करना है करो। क्या बनना देखना चाहते हैं उनको, क्या बनाएंगे आप? अब इनका इच्छा, हम लोग तो पढ़ाई, हम जितना खर्चा करना है हम लोग करेंगे। अभी क्या बनेंगे अभी सोचेंगे अपना, हम लोग तो जितना पैसा चाहे जो भी रहेगा पढ़ाई करते रहो। पढ़ाई जारी रहेगी। अगर तैयारी करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं? हाँ, तो जाएगा तो कोई बात नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? शंकर सा। आप क्या करते हैं? राजमिस्त्री का। आपके पुत्र जो हैं काफी अच्छा नंबर लाए हैं मैट्रिक में, और नंबर आने के बाद आपको कैसा लग रहा है? खुशी बनी सन हमनी के, जितना पढ़ा सो उतना पढ़ाएम सन, जितना आगे में बढ़े उतना पढ़ाएम सन। पैसा के अथी नहीं के कि पैसा के कि हम पैसा नहीं खे तो हम ना पढ़े, मतलब कि जितना लगे उतना पढ़ाएम सन उनका। अच्छा, इतना उम्मीद रहे कि इतना नंबर लिया दी है वो? मैंने हमारा तो नहीं रहे, मन हम कुछ कहबो कर तो ना हम पढ़े। हाँ। तू हमसे काम न तरह हम का पढ़े, विश्वास ना रहे कि इतना नंबर लिए। हाँ। लेकिन अब तो इतना नंबर लिया दिले बड़न। हाँ। तो अब कैसा लगा? अब खुशी बनी हम बहुत ही। अच्छा, बने के चाहते रहे इंजीनियर, तो मैं कह रहा है राय बाकी बनस पढ़स। हाँ, हम पटना लिखावस नाम चाहे कहीं लिखावस तो हम पैसा देम पढ़ाए। अंकित राउर का लगे नहीं? नाती लगे ले, भतीजा का लड़का हूँ। अच्छा, 453 नंबर आयल बा उनका, कैसा लगा तेरे को? खुशी होता लगी कमे आइल बा नंबर, काहे कि जैसे तैयारी लग से भी कम आइल बा। अच्छा। लेकिन धन्यवाद वो आदमी के कहे के चाह जाएगी कि जैसे मास्टर लोग बा वो भी कोर्स अच्छा करावल लो इनके, ये भी मेहनत कर ले, लेकिन मेहनत के अनुसार से अभी कम नंबर बा। खुश मानी से सब लोग आई। कितना उम्मीद रहे नंबर के? हमारा उम्मीद रहे कि टॉपर ले आई है बिहार में। बिहार टॉप? अच्छा। लेकिन उतना लेन लिए ले तो फिर हमने कोनो बात नहीं है, खुशी बा। हाँ। कि जितना आई तो हम तो अपन आई ना। हाँ। लेकिन फिर भी ये भी आदेश देता नहीं कि भाई जो भी बाल बच्चा जो भी पढ़ता जो भी गाँव के आभार क्षेत्र का हमने के बा अच्छा से अच्छा नंबर लिया हो, अच्छा से अच्छा पढ़ो तब ना हमनिक नाम हो। अच्छा, कोने तैयारी करो, कोनो अफसर भारी बन के आओ कि हम। अंकित, 453 अंक आया है आपका, और 453 अंक लाने के पीछे का मेहनत, किस तरीके से मेहनत आप किए थे और क्या आपको लगता था कि हम 450 प्लस लाएंगे मैट्रिक में? मेहनत तो हम ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने पढ़ाई पर देते थे और मुझे पूरा उम्मीद था कि 453 अंक आ सकता है, 450 पार आ सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ाई करते थे, बाकी टाइम वेस्ट नहीं करते थे। इस सफलता का सबसे ज़्यादा श्रेय आप किनको देंगे? सफलता का सबसे ज़्यादा श्रेय माता पिता को और ऑफलाइन टीचर को देंगे, जो कि मेरे साथ में उन्हीं लोग के वजह से मैं इतना अंक प्राप्त किया हूँ। कौन से संस्था में आप तैयारी करते हैं? यूनिक ज्ञान कोचिंग सेंटर। सबसे अच्छी चीज़ यूनिक ज्ञान कोचिंग सेंटर के क्या थी आपके लिए? वहाँ का पढ़ाई, वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था और वहाँ का पढ़ाई समझ में आ रहा था हम लोग को, जिसके वजह से इतना अंक प्राप्त किए हैं लोग। किस तरीके से आप तैयारी करते थे? जैसे एग्जाम नज़दीक आता था तो किस प्रकार की आपके माइंड में टेंशन चलती थी, क्या उसको आप कैसे कंट्रोल करते थे, हैंडल करते थे? एग्जाम था तो थोड़ा टेंशन थी कि क्या होगा, पर उस उतना ही पढ़ाई में ध्यान देते थे तो फिर टेंशन दूर हो गया कि अब आ सकता है नंबर, तो आ गया है 453 अंक। 453 अंक लाए हैं आप, मार्क्स अच्छा है। क्या बनना चाहेंगे लाइफ में? लाइफ में IIT करना है, जो कि इंजीनियर बनना है। सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट क्या रहा है आपका? मैथ,
मैथ है। फैमिली की तरफ से कितना सपोर्ट रहता है पढ़ाई को लेकर आप लोग के? फैमिली की तरफ से फुल सपोर्ट रहता है, काम पर ही मतलब डिस्टर्ब होता था और बे काम खातिर नहीं डिस्टर्ब होता था। पढ़ाई के लिए गार्जियन से डांट भी पड़ती है आपके? ना ना डांट नहीं, हम उतना पढ़ते ही थे कि गार्जियन खुश होते हो जाते थे लोग कि आ सकता है नंबर। मम्मी पापा का क्या मतलब सोच है, क्या सपना है आपके लिए? मम्मी पापा का सपना है कि पढ़ लिखकर कुछ बढ़िया करे हम लोग के लिए। वो भी चाहते हैं कि इंजीनियर बने? हाँ वो भी चाहते हैं, हम बच्चों की खुशी में, बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी है। आपके पापा क्या करते हैं? राजमिस्त्री का काम करते हैं। नाम बता दीजिए। अंकित कुमार। तो ये थे अंकित के परिवार और अंकित जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी, और उनका बहुत बड़ा सपना है, उनके फैमिली मेंबर का भी सपना है कि बड़ा पढ़ लिख कर कुछ बड़े आदमी बने और अपने गांव का नाम रोशन करें। हमारे चैनल के भी तरफ से तमाम उन विद्यार्थियों की शुभकामनाएं हैं जो इस बार अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं, और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएँ हैं। और हमारे चैनल को भी देखते रहिए। ऐसे ही जय हिंद।